आज की इस वीडियो में हम आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताएंगे। भैया, सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब देवता और राक्षसों ने सागर मंथन किया था, तब उसमें से अमृत निकला था। अमृत देखते ही देवताओं और राक्षस झगड़ने लगे। तब विष्णु भगवान ने सुंदर लड़की का रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाने लगे। तब राहु केतु नाम के एक राक्षस को यह पता चल गया। वो देवता का रूप धारण कर देवताओं के पास बैठ गया। फिर जब भगवान विष्णु ने उसको अमृत पिलाया, तब सूर्य और चंद्रमा को यह पता चल गया। तब उन्होंने यह बात विष्णु भगवान को बताया। विष्णु भगवान ने गुस्से में आकर अपने चक्र से उसका गला काट दिया, पर वो अमृत पी चुका था, इसलिए वो मरा नहीं। उस दिन से राहु केतु सूर्य और चंद्रमा से अपना बदला लेता है। हर साल वह एक दिन सूर्य को निकलता है, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, और एक दिन वो चंद्रमा को निकलता है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब समझ आया माधव? अच्छा, तो भैया इस सूर्य ग्रहण के दिन हम बच्चों को क्या करना चाहिए? माधव, हमारा इम्यून सिस्टम अभी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हमको घर के अंदर ही रहना चाहिए। अगर हम बाहर गए तो हमारी आईज खराब हो सकती है और हमको स्किन डिसीजेज भी हो सकते हैं और हमारी मेमोरी भी जा सकती है। तो भैया, हम अपने मम्मी पापा को पहचान नहीं पाएंगे। हम कहेंगे, अरे आप कौन हो, अरे आप कौन हो। अगर घर के अंदर रहोगे तब तो पहचान ही पाओगे ना। अच्छा, और सबसे जरूरी बात, सूर्य ग्रहण के समय हमें कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए। अच्छा, तो भैया ये तो बताओ कि सूर्य ग्रह है कब? सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को है। और याद रहे, सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर जाना नहीं, कुछ भी खाना या पीना नहीं। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।